जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग अर्थशास्त्र की शुरुआत करेंगे। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, इसे प्रायः लोग सुनकर डर लगता है कि अर्थशास्त्र कैसे पढ़ें, अर्थात कैसे तैयार किया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ा जाए, अर्थशास्त्र को कैसे समझा जाए। कि अर्थशास्त्र एक बहुत ही आसान विषय है, लेकिन हमें आपको प्रायः लगता है कि अर्थशास्त्र कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी होगी, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, जॉन मार्शल ने क्या कहा, एडम स्मिथ ने क्या कहा, रॉबिन्स ने क्या कहा है। इन सभी तथ्यों पर अब हम पर्दा उठाएंगे और इसको एक इंटरेस्टिंग विषय बनाएंगे, माने एक ऐसा विषय कि आपका ये पसंदीदा विषय बन जाएगा। अभी तक बहुत सारे लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, तो जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा वो ये जानते होंगे कितना आसान विषय है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें लगता होगा अर्थशास्त्र बहुत कठिन विषय है, ये पहाड़ सा है, इसे कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे समझा जाए। परीक्षाओं में जब उनकी कंपटीशन परीक्षा में जब अर्थशास्त्र से प्रश्न आते हैं तो प्रायः गलती कर जाते हैं। लेकिन हम आज से जब आप प्रतिदिन क्लास देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप उसमें देखेंगे, आप उसमें ये पाएंगे अर्थशास्त्र एक आसान विषय है जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। एक पहला प्रश्न आता है अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी। ऐसे तो एक लाइन में परिभाषाएं दे दी जाती हैं, लेकिन आज हम अर्थशास्त्र की हर उस बारीकी को समझेंगे, हर उस बारीकी को जानेंगे। क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगा, क्या आप अर्थशास्त्र जानते हैं, अपने सर नहीं मुझे अर्थशास्त्र नहीं पता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी हर वो व्यक्ति अर्थशास्त्र जानता है। जैसे आप कहते हैं कि किसान के घर जब आलू पैदा होता है सिर्फ 10 रुपए किलो होता है, और जब किसान खरीदने के लिए निकलता है तब 40 रुपए किलो हो जाता है। ऐसा क्यों? यही इकोनॉमिक्स है। मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये बताइए हमारे यहाँ बादाम क्यों महंगा मिलता है, तो कहेंगे सर क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता, ये बाहर से आता है इसलिए बादाम महंगा है। तो आपने इकोनॉमिक्स का शब्द का प्रयोग किया, आप अर्थशास्त्र जानते हैं। जैसे अब गोभी का सीजन आता है तो गोभी खूब सस्ती हो जाती है, फिर जब गोभी का सीजन नहीं होता तो खूब महंगी, कहते सर उस समय ज्यादा उत्पादन होता तो सस्ता, तो क्या हुआ? इसका मतलब आप इकोनॉमिक्स जानते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जानते हैं और आप उसे पढ़ते हैं। फर्क कितना है, आज उसे हमें अर्थशास्त्र को परिभाषाओं में कन्वर्ट करना है और ये जानना है कि अर्थशास्त्र के विषय में कौन कौन क्या क्या कहा। आपके लिए अर्थशास्त्र हो सकता है एक नया विषय हो, किसी के लिए पुराना विषय हो, और कुछ लोग अर्थशास्त्र को केवल ज्ञान के लिए पढ़ रहे हों, कुछ लोग परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ रहे हों, कुछ का उद्देश्य होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, क्या हमें दैनिक जीवन में अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, इन सभी का प्रयोग करते हैं और मुझसे बखूबी आप अर्थशास्त्र को जानते हैं। फर्क इतना है कि उसे हम कुछ किताबी शब्दों से जोड़कर आज पढ़ेंगे, और इसके पहले हम केवल अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ते थे। एक पहला प्रश्न हमारे मन में आता है किसी की विषय की शुरुआत करते समय कि उसकी परिभाषा क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो आपके मन में भी आया होगा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। कुछ लोग कहते हैं धन का विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं मानव कल्याण का विज्ञान है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तथ्य देते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र का जो परिभाषा देने का उद्देश्य है कि ये विषय क्या है, ये कैसा है, इसके विषय में जो परिभाषाएं दी जाएंगी वो उसके विषय सामग्री तक पहुंचेंगी नहीं। अर्थशास्त्र विज्ञान है कि अर्थशास्त्र कला है, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसकी अगर देखा जाए तो इसके लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे ये अर्थशास्त्र है, क्या अर्थशास्त्र मनुष्य को विशेष नाम देने से या हमारे मस्तिष्क में उसकी आकृति गुण दोष विशेषता जाती है। जैसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं तो उसकी जो परिभाषाएं होती हैं अपने आप इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे मस्तिष्क में उसकी आकृति बन जाती है, उसका गुण बन जाता है, उसका दोष बन जाता है, तो यह उसकी परिभाषा। जैसे आपके भाई, आपके पापा या आपके मम्मी की अगर परिभाषा बतानी हो उनका नाम काफी है। जैसे मेरा नाम दुर्गेश है, आपने मुझे नहीं देखा है, आप अपने फ्रेंड से चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे आप कहेंगे कि इकोनॉमिक्स के लिए जीएस के लिए इन लर्निंग विद दुर्गेश की दुर्गेश सर की वीडियोस देखो, तो जैसे आपने दुर्गेश सर कहा आपके दिमाग में मेरी छवि आ गई, मेरी अच्छाई बुराई गुण दोष आकृति पूरा आ गया, तो यह मेरी परिभाषा हो गई। माने इस व्यक्ति की जो परिभाषा है वो दुर्गेश है, आपकी परिभाषा आप है। इस प्रकार हमने ये देखा कि जो अर्थशास्त्र है उसकी परिभाषा अपने आप निकलकर बाहर आ जाएगी। इस प्रकार अर्थशास्त्र की जब हम परिभाषा देते हैं, जब भी हम अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं तब हम उसके स्वभाव विशेषता क्षेत्र आदि के बारे में जान लेंगे, और ये भी जानेंगे ये विज्ञान है कि कला। जैसे ये भी दुर्गेश विज्ञान पढ़ाएंगे या कला वर्ग का पढ़ाएंगे, तो ये भी आपको हमें इकोनॉमिक्स में जानना है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने कहा है किसी विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा को जानना बहुत ही आवश्यक है। माने किसी भी विषय को वैज्ञानिक ढंग से जानने के लिए उसकी परिभाषा को जानना बहुत ही जरूरी है। और
उसी आधार पर अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडम स्मिथ। क्या है एडम स्मिथ, आइए एडम स्मिथ के बारे में जानते हैं। देखिए एडम स्मिथ के बारे में हम कई बातें स्पष्ट करेंगे, कई बातें हम आपको यहाँ पे बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अर्थशास्त्र है इसमें किसान के कृषि के खेत की जो सीमा की जानकारी मिलती है, इसमें अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण करते हैं। ये निरंतर अर्थशास्त्र एक निरंतर विकासशील विषय है जो लगातार विकसित होता रहता है। यह अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है, और ये नपा तुला होता है। तो यहाँ पे कई प्रकार की परिभाषाएं हम जानते हैं, लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, जिसमें पहला नाम आता है किसका, एडम स्मिथ का। किसका नाम आता है, पहला नाम एडम स्मिथ का आता है। एडम स्मिथ प्रारंभ में जो अर्थशास्त्र विषय है, शुरू में जो ये अर्थशास्त्र विषय है आप इसे देख पा रहे होंगे, इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। क्या, पॉलिटिकल इकोनॉमी इसे कहा जाता था प्रारंभ में, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था इसे, बाद में इसे अर्थशास्त्र कहा जाने लगा। पहले क्या था, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे आगे चलकर इसे अर्थशास्त्र कहा जाने लगा। अगर एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रेरणा कौन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि वो है एडम स्मिथ। वो कौन है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ है कौन, एडम स्मिथ है किसके, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो था या आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। अगर ऐसे में पूछूं कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा था उसमें इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे, लेकिन अर्थशास्त्र जो विषय है ये कहेंगे सर अर्थशास्त्र तो कौटिल्य विश्वगुप्त चाणक्य की रचना है। जी हाँ, जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई थी उसको कौटिल्य ने लिखा था, जिसे हम चाणक्य विश्वगुप्त के नाम से जानते हैं, लेकिन उनमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं था, उस समय के शासन प्रशासन के बारे में ही वर्णन किया गया था। फिर आगे चलकर इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा गया। क्या कहा गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा गया, लेकिन जब इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा गया तो उसमें अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं हो रहा था, तो लग रहा था कि राजनीति शास्त्र है कि अर्थशास्त्र है। फिर अर्थशास्त्र के जो विद्वान थे उसे ये मानने से इनकार कर रहे थे कि अर्थशास्त्र न तो कला है और न ही विज्ञान है, ये तो एक अलग विचारधारा है। इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो संबंध था वो धन की प्राप्ति से था, वो धन के संचय और व्यय से था, जबकि अर्थशास्त्र की भिन्नता का कारण ये था उसमें धन का अर्जन भी था और धन का व्यय का भी, दोनों का अध्ययन करना था। इसलिए आगे चलकर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी था उसे कहा गया अर्थशास्त्र। क्या कहा गया, वहां पर उसे अर्थशास्त्र कहा गया। फिर एडम स्मिथ आते हैं, आइए एडम स्मिथ के बारे में जानते हैं, कुछ प्राचीन अर्थशास्त्रियों के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे जिससे हमें अर्थशास्त्र के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो आप अगर अभी तक वीडियो पे बने हैं तो अंत तक बने रहिएगा, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। देखिए अगर प्राचीन तम अर्थशास्त्र की बात करें, जिन्हें हम आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, उनका नाम है एडम स्मिथ। सबसे पहले वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, आज भी इन्हें अर्थशास्त्र के जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक थी इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र की संपत्ति के स्वरूप और कारणों की छानबीन की जाती है, और इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। इन्होंने क्या कहा था, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। आइए आज हम लोग एडम स्मिथ के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। एडम स्मिथ क्या थे, इनकी आर्थिक विचारों के योगदान में इनकी बहुत सारी विवेचना के आधार पर इन्हें अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। एडम स्मिथ प्रकृतिवादी एवं आशावादी अर्थशास्त्री थे, जिनके आधार पर इन्होंने अर्थशास्त्र की लाभदायक प्रवृत्ति को, जो प्रकृति थी लाभदायक जो प्रकृति थी, इसका विस्तार करने में अपना विचार दिया। माने जो अर्थशास्त्र की लाभदायक प्रकृति थी उसको बढ़ाने में, उसे आप लोगों तक तो पहुंचाने में उन्होंने अपना विचार, अपना मत दिया। इनका प्रमुख था द्रव्य के सिद्धांत, स्वतंत्रतावाद, प्रकृतिवाद, आशावाद, श्रम विभाजन आदि में वैज्ञानिकता का पुट जो था वो समाहित था। एडम स्मिथ प्रथम ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी विचारधारा, तत्कालीन विचारधारा की सुंदर अर्थ समन्वय किया। मन उस समय जो स्थिति थी उसमें काफी इनका योगदान था। आर्थिक विचारों के साथ साथ एडम स्मिथ
राजनीतिक दर्शन में भी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एडम स्मिथ ने धन के अधिक महत्व देने के लिए, धन को अधिक महत्व देने के लिए इस सत्य ये कहा कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी कठिन। उन्होंने कहा कि जिनके बिना मानव जीवन की कल्पना भी कठिन है। प्रोफेसर एडम स्मिथ का जो जन्म हुआ था वो स्कॉटलैंड में हुआ था। अगर हम उनके जन्म की बात करें तो इन्होंने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। और एडम स्मिथ स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था कब, 5 जून, लिख लीजिएगा 5 जून 1773 5 जून 1773 को एडम स्मिथ का जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। इनके पिता एक अधिकारी थे और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पूर्ण करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 1751 में वो न्याय के प्राध्यापक नियुक्त होते हैं, फिर वो नैतिक दर्शन के प्राध्यापक बनते हैं। आगे चलकर उनकी एक पुस्तक थी जो थ्योरी ऑफ द मॉरल सेंटीमेंट आगे चलकर प्रकाशित होती है 1759 में। कब, 1759 में इनकी एक पुस्तक आती है, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, 1759 में इनकी एक पुस्तक आती है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट। इस पुस्तक में उनकी विद्वत्ता जो थी, उनकी बौद्धिक क्षमता थी, उसके धाक जमना शुरू हो गया। फिर 1776 में उनकी महान पुस्तक आती है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या आती है, इन्होंने धन का विज्ञान कहा था, इनकी एक प्रमुख पुस्तक आती है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1776 में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ मतलब वेल्थ की डिफिनेशन उन्होंने दिया कब, 1776 में। एडम स्मिथ हु इज द रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड ए बुक टाइटल, देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। मतलब इन्होंने ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ए विच इंक्वायर इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। माने इनकी महान पुस्तक 1776 में आती है वेल्थ ऑफ नेशन, और ये क्रांतिकारी रचना थी। ये क्या थी, एक प्रकार की एडम स्मिथ की एक क्रांतिकारी रचना थी। कैसी रचना थी, यह इनकी एक क्रांतिकारी रचना थी। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, हाँ चलिए, ये इनकी क्या थी, एक क्रांतिकारी रचना थी, किसकी, एडम स्मिथ की। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इस पुस्तक में सिद्धांत की, इनकी आर्थिक नीति का विश्लेषण किया गया। फिर ये 900 पृष्ठों की थी, अगर इसकी बात करा जाए कि वेल्थ ऑफ नेशन जो थी लगभग 900 पृष्ठ की थी, जिन्होंने राष्ट्र की संपत्ति का वार्षिक स्रोत बताया। इन्होंने श्रम विभाजन, विनिमय वितरण, विभिन्न तत्वों के वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद तथा राजस्व की विवेचना भी की, और इसी कार्य इसमें राज्य का क्या कार्य होना चाहिए, राज्य किस प्रकार कर प्राप्त कर सकता, इसी प्रकार इन्होंने रखा। आदि के साथ साथ इन्होंने करोपण के 4 अतिरिक्त सिद्धांत प्रतिपादित किए, आज भी मौलिक महत्व रखते हैं। ये अपनी पुस्तक की कुछ सीमाओं के बाद भी अनूठी है। एडम स्मिथ एक प्रकृत एवं उगासवाद का सिद्धांत इनका कहलाता है, और फिर सरकारों आर्थिक संस्थाओं के उदय के लिए भी कुछ नहीं पड़ता। इनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो एक एक करके हम लोग को आगे पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों को अभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ इनके बारे में पढ़ते हैं, ये जानते हैं कैसे इन्होंने धन का विज्ञान कहा था। ठीक है, आप लोग भी तैयार हो जाइए और वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बेशक बड़ा होगा लेकिन आपको अर्थशास्त्र क्या है इससे पूरी तरह से परिचित करा देगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक देखा कि एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कहा था, और अर्थशास्त्र को इन्होंने, अगर इनकी बात की जाए एडम स्मिथ जी की, तो इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, माने जो अर्थशास्त्र है ये धन का विज्ञान है। और अर्थशास्त्र बाद में एडम स्मिथ के जेबी से ने भी इनकी जो थी जो इनकी थ्योरी थी उसको अभी इन्होंने सराहा और कहा कि नहीं नहीं उन्होंने सही कहा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जहाँ पर धन संपत्ति की विवेचना किया जाए। फिर प्रोफेसर वाकर जी ने भी कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इस प्रकार काफ़ी लोगों ने इनका समर्थन किया, इनका बताया कि वास्तव में अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है। और धन के विज्ञान का अर्थ ये उस समय लगाया गया था कि अर्थशास्त्र केवल दौलत रुपए पैसे कमाने का एकमात्र साधन। मैंने 1776 में जब इनकी पुस्तक आई थी एडम स्मिथ जी की द वेल्थ ऑफ नेशन, तब ये कहा गया कि दौलत
रुपया पैसा मुद्रा कमाने का एकमात्र जो शास्त्र है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्री का भी एक कर्तव्य है कि वह समाज के राष्ट्र के ऐसे तरीके बताए जिससे समाज में धन की वृद्धि हो। माने उन्होंने अपना पूरी थ्योरी का जो केंद्र बिंदु रखा वो रुपये पैसे को रखा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वह पूरी तरह से रुपए पैसे पे थी, माने पैसों पे थी, माने पैसा कैसे कमाया जाए, राष्ट्र को कैसे मजबूत बनाया जाए। आइए अब इनकी हम कुछ आलोचना पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी तो अच्छी थी, 1776 में बादशाहत भी कायम थी, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएँ भी होती हैं। आलोचनाओं ने एडम स्मिथ के अन्य जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे इन पर तीन तरह के दोष लगाए, इनके ऊपर तीन तरह की इनकी आलोचना की गई। आइए उन पर भी हम प्रकाश डालते हैं और ये देखते हैं कि एडम स्मिथ के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या थी और क्या होनी चाहिए थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं, एक था धन या संपत्ति पर आवश्यकता से अधिक बल देना। एडम स्मिथ जी ने क्या किया, धन या संपत्ति पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। ये उनकी एक आलोचना है, ये क्या है, उनकी आलोचना है। माने उस समय एडम स्मिथ के जो उस समय के उनके समय के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने धन या संपत्ति की आवश्यकता से जो था वो अधिक बल नहीं दिया। उन समय क्या था, उन्होंने धन या संपत्ति पर अधिक बल दिया कि भैया जो एडम स्मिथ का समर्थन करते थे, जो उनकी बात को मानते थे, उन्होंने कहा कि उस समय धन और संपत्ति पर उन्होंने अपना बल दिया कि धन संपत्ति होना चाहिए। इस आवश्यकता पर उन्होंने उस समय के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बल दिया, उन्होंने धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु बनाया, सेंट्रल पॉइंट बनाया। अभी मैंने बताया इन्होंने क्या किया, इनके और इनके अनुयायी जो थे उन्होंने धन को क्या किया, इसका केंद्र बिंदु बनाया, कहा कि धन ही क्या है, अर्थशास्त्र के लिए सबसे जरूरी है धन या संपत्ति, इसकी आवश्यकता जरूरी है, इसका अर्जन जरूरी है। ये मनुष्य को द्वितीय स्थान पर रखे, माने पहले पैसा फिर बाद में मनुष्य। इन्होंने क्या कहा, पहले रुपया, पहले पैसा, पहले धन, पहले संपत्ति, बाद में मानव। माने पहले पायदान पर इनका धन आया, दूसरे पर मानव, दूसरे पर क्या आता है, मानव आता है। माने एडम स्मिथ की थ्योरी में सबसे पहले पे धन की वरीयता दी जाती है, दूसरे स्थान पर मानव को वरीयता दी जाती है। ये काफी बड़ा सवाल है। और इस प्रकार की जो अर्थशास्त्र था, ये मनुष्य जो अर्थशास्त्र का एक मुख्य विषय और गौण है। धन या संपत्ति केवल मनुष्य की भौतिक सुख और समृद्धि की बात करता है, भौतिक समृद्धि की बात करता है, मेटेरियल वेलफेयर की बात करता है। भाई पैसा जो ये भौतिक सुख की जो है, जो रुपया पैसा है, ये मनुष्य केवल भौतिक समृद्धि की बात करता है, साधन मात्र है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। माने केवल साधन मात्र है धन जो है, क्या है यह, केवल केवल साधन मात्र है। ऐसा नहीं है कि केवल सब कुछ सबके लिए धन ही है। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग कि धन पर अनुचित जो प्रधानता का दुष्परिणाम यह हुआ, उनकी जो ये प्रधानता था उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दृष्टिकोण का लाभ उठाकर इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने अधिक संपत्ति उत्पन्न करने तथा अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए मजदूरी देकर, कम मजदूरी देकर मजदूरों को, स्त्रियों को, बच्चों को 14-14 घंटा काम कराना शुरू कर दी। मतलब इन्होंने कहा कि चाहे जैसे पैसा कमाओ, मतलब इनका उद्देश्य तो धन आना चाहिए और उसके लिए कुछ भी करो। तो इन्होंने क्या किया, जैसे मैं अभी आगे एग्जाम्पल दूंगा, तो इन्होंने इनकी वजह से जो वहाँ के उद्योगपति थे उन्होंने कहा काम करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, मजदूरों से खूब काम कराया, थोड़े थोड़े पैसे दिए, पैसे कम दिए काम ज़्यादा कराया, बच्चों से भी काम कराया, महिलाओं से भी काम कराए। माने इनका एक ही मात्र उद्देश्य पैसा आना चाहिए। माने अर्थशास्त्र में इन्होंने केवल पैसे पर ही बल दिया, मनुष्य को दूसरे स्थान पर रखा। ये इनकी सबसे बड़ी आलोचना हुई कि धन या संपत्ति पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। माने धन या संपत्ति पर आवश्यकता से अधिक इन्होंने उन पर बल दिया। फिर राष्ट्र में धन की जो समृद्धि वृद्धि हुई, लेकिन समाज में चारों तरफ असंतोष हो गया। पैसा तो आया लेकिन लोगों में असमानता फैली, लोगों में असंतोष फैला, जिसकी वजह से 19वीं शताब्दी के कुछ विद्वान ने अर्थशास्त्रियों ने इनकी बहुत ही निंदा की, इनकी थ्योरी की बहुत ही इनकी कड़ी निंदा हुई, जिसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे अर्थशास्त्री मिल जाएंगे, रस्किन मिल जाएंगे, क्लाइन मिल जाएंगे, चार्ल्स डिकिन्स मिल जाएंगे, विलियम मॉरिस मिल जाएंगे, जो एक ऐसी विद्या के विरुद्ध बड़ा रोष प्रकट किया, कहा ना 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, इसमें लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। यहां तक कि निंदा करते हुए कुछ लोगों ने कहा यह कुबेर का संदेश है, यह स्वार्थमय विज्ञान है, यह रोटी के टुकड़े का विज्ञान है, यह निकृष्ट व दुखदायी विज्ञान है। कई लोगों ने यह विजन्मा विज्ञान है, सूकर की मनोवृत्ति से उत्पन्न है। तो माने इन्होंने बहुत सारी इनकी आलोचनाएं हुई, इनकी बहुत सारी आलोचना हुई, किसकी,
एडम स्मिथ की इस थ्योरी का कि धन की संपत्ति पर आवश्यकता से अधिक बल देना, ये इनकी एक आलोचना हो गई कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी आलोचना की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन तो पहले प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे दुर्गेश्वर सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी दूसरी आलोचना होती है कि अर्थ मानव की कल्पना करना, अर्थ मानव की केवल कल्पना करना। एडम स्मिथ या उनके जो अर्थशास्त्र साथी थे उनकी ये जो परिभाषा थी यह मानकर दी गई कि मनुष्य केवल आर्थिक लाभ हानि आदि के लिए, माने जो मनुष्य है वो किसके लिए, केवल आर्थिक लाभ के लिए है, उसका जो प्रयोग करना है उसके ऊपर दया नहीं दिखाना है, उसके ऊपर उसकी दया की भावना नहीं होनी चाहिए, केवल मनुष्य के आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर हमें धन कमाना है। ये नहीं देखना है उसको लाभ होगा, उसको हानि होगी, उसे बुखार होगा, उसे जम, धर्म परोपकार दया, इन सभी की भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र में ऐसे व्यक्ति को अर्थ मानव, इकोनॉमिक मैन कहा जाता है। अर्थशास्त्र में ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक मैन कहा जाता है, अर्थ मानव कहा जाता है, जिसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होगा। जैसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान देख रहे होंगे, वो केवल क्या करते हैं कि कोचिंग पढ़ाना शुरू करेंगे, उसके बाद केवल उद्देश्य उनका क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पैसे कमाना। आपका भला हो या ना हो, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा फेक चीजें आप तक पहुंचाएंगे, वे हमेशा ये चाहेंगे आपके पास ज्ञान ना पहुंचे, आपको वो चीजें पढ़ाएंगे जिससे आपको शुरुआत में बेहतर लगे, बाद में उनके पास ज्ञान खजाना ना हो लेकिन वो पढ़ाएंगे, धन उगाही करेंगे, उनका क्या होगा। उन्हें ऐसे लोग को अर्थ मानव कहा गया। क्या कहा गया, अर्थ मानव कहा गया। फिर आगे चलकर यह हुआ कि अर्थमानव जो था ये घृणित शास्त्र लोग समझ बैठे, लोग इसे क्या करने लगे, ये घृणित शास्त्र है। कैसा शास्त्र है ये, घृणित शास्त्र है ये, स्वार्थता से दिखता है, इसमें स्वार्थी ही केवल, इनमें मनुष्य केवल अपने हित की बात करता है, समाज असहाय व्यक्ति के शोषण करता है और धन कमाता है। इसकी इतनी आलोचना होती है कि बाद में अर्थशास्त्रियों ने एक अपराधी की तरह अपने विचार का और स्पष्टीकरण किया। मतलब यहां पर हमने देखा कि इसमें केवल पैसे कमाने की बात, जैसे कि खून भी निकालो उसको बेचो उसे पैसा ना चाहिए, मजदूर की हड्डियां बेच डालो, मनुष्य को भी बेच डालो, केवल पैसा ना चाहिए। यहाँ पे अर्थ मानो ऐसे लोग को इकोनॉमिक मैन कहा गया। अगला क्या था, यहाँ पर देखेंगे धन का संकुचित अर्थ। अगली आलोचना इनकी होती है कि धन जो था इसका संकुचित अर्थ। एडम स्मिथ तथा उनके जितने भी साथी थे धन केवल स्थानीय दृष्टिगोचर तथा भौतिक वस्तुओं में लिया, मेज दीवार घड़ी अनाज भोजन आदि चीजों था, ये समस्त अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र संकुचित हो गया, माने उनका जो भौतिक वस्तुओं से वो सीमित हो गया, उनका उद्देश्य केवल धन से हो गया। आजकल के जो अर्थशास्त्री हैं उनका भौतिक अभौतिक दोनों प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब अभी तक के जितने भी अर्थशास्त्री थे ये दोनों प्रकार का अध्ययन करते थे, लेकिन ये ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनका केवल एकमात्र उद्देश्य था धन कमाना, माने धन कमाने के लिए इन्होंने अपनी सारी तथ्यों को बताया, सारी तथ्यों को समझाया। ये थे एडम स्मिथ महोदय। इसके बाद अगली जो थ्योरी हम लोग को पढ़ना है वो जॉन मार्शल की पढ़ना है कि भौतिक कल्याण का शास्त्र क्या है। तो लेकिन यहाँ तक जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, जितने लोगों ने सुना समझा, वो अपना कमेंट जरूर देंगे इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लास या नोट्स चाहिए उसके लिए आप लोग दुर्गेश्वर सर्च करिएगा बिना स्पेस के और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, जहाँ पे आपको ये और ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए
4444367 पर ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अर्थशास्त्र के लिए ये काफी महत्वपूर्ण विधि है। अभी आपकी परिभाषा खत्म नहीं है, अभी रॉबिन्स को पढ़ना है, अभी हमें मार्शल को पढ़ना है, अभी केवल केवल हमने एडम स्मिथ को पढ़ा है और राजस्व के दो साधन बताए इन्होंने, भूमि पूंजी, सरकारी कोष को कैसे भरा जाए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन इसके बाद हमें जॉन मार्शल को पढ़ना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एडम स्मिथ कैसा लगा। एक छोटा सवाल हम पूछेंगे कि आप क्या एडम स्मिथ की जो इनकी इकोनॉमिकल नीति थी, इनकी थ्योरी थी, क्या आप इनका समर्थन करते हैं? आपको इनमें कौन सी कमियां लगती हैं जिसकी आलोचना आप यहां पर कर रहे हैं? मतलब अगर आपको भी इनके अर्थशास्त्र में, इनकी परिभाषाओं में कोई कमी लगती है तो कमेंट के माध्यम से आप उनकी कमी हम तक जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी प्रश्न है कि एडम स्मिथ की जो प्रमुख पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम क्या था? उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा। तो आपसे मैंने दो प्रश्न पूछा कि आपको एडम स्मिथ की जो अर्थशास्त्र था उसमें कौन सी कमी लगती है, उस कमी को आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मार्शल को। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ अर्थशास्त्र आपको समझ में आना शुरू होगा और इसके बाद अगली सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, एक एक क्रम में इन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी बी दुर्गेश और यूट्यूब चैनल इलेनी बी दुर्गेश पर आप लाइव देख रहे थे और ये वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा और यकीन करिएगा इकोनॉमिक्स की बेहतर और बड़ी सीरीज आपको उपलब्ध होगी। अभी तक आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसी वीडियो की सीरीज नहीं देखी होगी जो आज आप इलेनी बी दुर्गेश पर देख रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। दो सवाल कि अगर आप अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान है किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या आप इनकी थ्योरी का समर्थन करते हैं, क्या आप इनकी थ्योरी की आलोचना करते हैं, आलोचना करते हैं तो कैसे, और इनका समर्थन करते हैं क्या, क्या कमियां थी, क्या इनमें दोष थे, दोनों का बात कमेंट करके बताइएगा। और एक छोटा सवाल, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।